प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आज गुरु पूर्णिमा का भी भाव है और आज देखो कितनी किस्मत की बात है कि आज ये जो मनुष्य के शरीर में जो जन्म लिए हम लोगों के गुरु जी का आज जन्मदिन भी है। और दुनिया में बहुत लोग तरह तरह से गुरु जी को बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना सौभाग्यशाली हैं, हमनी के आके चरणीय में बैठल बनी जा। और हम आप लोगों को हम भी एक दो गीत सुनाना नहीं चाहते, आपके साथ गाना चाहते हैं। एक तो मुझे अभी अभी बैठे बैठे कुछ ऐसे ध्यान में आया और मैंने उसको, मैं सोचता हूं यहां इतने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, वो पीछे तक जहां से गेट है मुझे लगता है यहां से करीब 700 मीटर दूर और दाहिने तरफ जो जहां खड़ा है, हाँ भैया देख लेनी तोहरा के हो, देखा हम तो भोजपुरी में गाना गाइला, हम तो भोजपुरी में बोलीला, और भोजपुरी और बुंदेलखंडी के मेल हो रहा है, बुंदेलखंडी और भोजपुरी का मेल हो रहा है। तो मेरे मन में आ रहा था कि गुरु जी हमसे क्या कह रहे हैं, तो मुझे एक छोटा सा भाव ध्यान में आया। मेरे भाई बहन, गुरु जी तो एक पुल है, चलना हमको आपको स्वयं है, चाहे चुपचाप खड़े होके चलें, गुरु जी के सिखाए हुए रस्तों पे चले। तो मेरा गाना यही है, एक स्वर दे देना भैया हमको। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने जो गाना आज तैयार किया है, गुरु जी एक लाइन हमेशा बोलते रहते हैं, उसको हमने इसका आधार बनाया। हाँ गुरु एक पुल है, गुरु जी एक पुल है, खुद ही है चलना, गुरु जी एक पुल है और खुद ही है चलना, और चित्र में नहीं प्यारे चरित्र में है ढलना, चित्र में नहीं प्यारे चरित्र में है ढलना, गुरु एक पुल है, गुरु एक पुल है, खुद ही है चलना, गुरु एक पुल है, खुद ही है चलना, चित्र में नहीं मेरे भाई चरित्र में है ढलना।
चित्र में नहीं मेरे भाई चरित्र में है धर्मला। गुरु एक पुल है खुद ही है चलना, गुरु एक पुल है खुद ही है चलना, खुद ही है चलना, खुद ही है चलना। चित्र में नहीं मेरे प्यारे चरित्र में है ढलना, चित्र में नहीं मेरे प्यारे चरित्र में है ढलना। बागेश्वर वाला जी को भाव से सुनाना, बागेश्वर वाला जी को भाव से सुनाना, बागेश्वर वाला जी को भाव से सुनाना, बागेश्वर वाला जी को भाव से सुनाना। सुन लेते हैं बालाजी दिल की बताना, सुन लेते हैं बालाजी दिल की बताना। गुरुजी बताएंगे रास्ता, गुरुजी बताएंगे रास्ता। मेरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा। परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण गुरु जी बताएंगे रास्ता, ये रास्ता बता रहे हैं, मगर खुद ही संभलना। हमारी बात समझ रहे हैं ना? जैसे अनाउंस करना पड़े कि भैया अच्छे से चलो, बागेश्वर बालाजी के किसी भी शिष्य को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, और न तो है। गुरुजी बताएंगे रास्ता, कितने लोगों ने समझा है कि गुरुजी ने रास्ता बताया है? जरा हाथ उठा के बताओ। समझ में आ गया ना? जब मनोज तिवारी को समझ में आ गया तो मैं मेरे जैसे मूढ़ व्यक्ति को समझ में आ गया, मेरे जैसे अभिमानी व्यक्ति को समझ में आ गया कि बागेश्वर बालाजी के जो परम प्रिय, जो कृपा पात्र धीरेन्द्र कृष्ण गुरु जी हैं, उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनो मेरे भाई बहन। जो लोग बागेश्वर बालाजी में हैं वो भी, और जो दिल्ली में इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी परसों दिन आएंगे वो भी। हमारे घरवा पे आके अबहिने से लोग बैठ गए बा, हमारे घर पे अभी से लोग दिल्ली में बैठ गए। गुरुजी बताएंगे रास्ता, पर खुद ही संभलना, और चित्र में नहीं मेरे प्यारे चरित्र में है ढलना। चित्र में नहीं मेरे प्यारे चरित्र में है ढलना। अरे चित्र में नहीं मेरे प्यारे चरित्र में है ढलना, चित्र में नहीं मेरे प्यारे। अच्छा आप लोग भी गा रहे हैं ना मेरे लाइन को? भैया आप लोग थोड़ा सा गाने देखो मेरा लाइन। आज ये मैंने नहीं लिखा, लिखा तो गुरुजी ने है, मनोजवा खाली गावत बा। आप आगे आगे हम गा रहे, पीछे से इस लाइन को गा लो कि चित्र में नहीं मेरे भाई चरित्र में है ढलना, चित्र में।
चित्र में नहीं मेरी बहने चरित्र में है ढलेना। चित्र में मैंने देखा कई लोग सेल्फी भी लेते हैं गुरुजी की। मैं भी एक दिन ऐसी गलती कर दिया था। आप पीछे देखे होंगे 3-4 महीने से मैं जब शुरू में आया था तभी मैंने गुरुजी के साथ फोटो डाली थी। अब मैं गुरुजी के चित्र में नहीं, मैं गुरुजी के चरित्र में डूबा हुआ हूं। चित्र में नहीं मेरे भाई चरित्र में है ढलना। चित्र में नहीं मेरे भाई गुरु में है ढलना। गुरु एक पुल है इस वे है चलना। गुरु एक पुल है खुद ही है चलना। चित्र में नहीं चित्र में नहीं मेरे भाई चरित्र में है ढलना। मेरी एक प्रार्थना है गुरु जी के सामने ही प्रार्थना कर रहा हूं। एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर महादेव की। मैं दर्शन करने जाता हूं तो महादेव का भी दर्शन करता हूं, इसलिए मेरा प्रार्थना है हरे बागेश्वर महादेव का ध्यान लगाना। बागेश्वर महादेव का ध्यान लगाना। बागेश्वर महादेव का ध्यान लगाना। और बागेश्वर महादेव का ध्यान लगाने के पहले मन की बुराइयों को पहले मिटाना। 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 अरे सिखाएंगे गुरुजी लेकिन सिखाएंगे गुरुजी लेकिन खुद है संभलना। चित्र में नहीं मेरे प्यारे चरित्र में है ढलना। चित्र में नहीं मेरे प्यारे चरित्र में है ढलना। चित्र में नहीं मेरे प्यारे चरित्र में है ढलना। गुरु एक पुल है गुरु एक पुल है खुद ही है चलना। गुरु एक गुरु है खुद ही है चलना। चित्र में नहीं मेरे प्यारे अरे चित्र में नहीं मेरे प्यारे चरित्र में है। और मेरी एक और प्रार्थना है मेरी एक और प्रार्थना है सन्यासी बाबा की ना भूलना कहानी। सन्यासी बाबा की ना भूलना कहानी। सन्यासी बाबा की कहानी याद है ना। प्रेम से बोलिए सन्यासी बाबा की। सन्यासी बाबा की ना भूलना कहानी। शिक्षा जग ने है जानी। दादा गुरु की
सतगुरु जी की शिक्षा जगने है जानी। और मेरी एक प्रार्थना है, पूजी गुरु जी की शक्ति बालाजी से आई है, पूजी गुरु जी की शक्ति बालाजी से आई है। बड़े हो तपस्या से, बड़े हो तपस्या से हो गए सहाई है, बड़े हो तपस्या से हो गए सहाई है, बड़े हो तपस्या से हो गई सहाई। और मुझे तो ये भी बताए, आजकल बागेश्वर बालाजी पे बहुत रिसर्च हो रहे हैं, तरह तरह के रिसर्च स्कॉलर आ रहे हैं। अरे बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की ओ शक्ति से न खेलना, बागेश्वर बालाजी की शक्ति से न खेलना, बागेश्वर बालाजी की शक्ति से न खेलना। और सबसे प्रमुख लाइन है, सबको गाना चाहिए, सबका हाथ उठना चाहिए, कि चित्र से नहीं मेरे भाई चरित्र से, चित्र में नहीं मेरे भाई चरित्र में ढलना। गुरु एक पुल उस पे है चलना, गुरु एक पुल है उस पे है चलना, गुरु एक पुल है, गुरु एक पुल है उस पे है चलना। सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, बागेश्वर बालाजी की, देखिए कैसी गुरु और शिष्य की परंपरा चल रही है। और आज हम लोगों के साक्षात गुरु जी सामने बैठे हैं, और हम लोगों को इसी भाव में चलना है कि चित्र पे नहीं मेरे भाई चरित्र में है ढलना, चित्र में नहीं मेरे भाई चरित्र में है ढलना। गुरु एक पुल है उस पे है चलना खुद ही, गुरु एक पुल है खुद ही है चलना, चित्र में नहीं मेरे प्यारे चरित्र में है ढलना, चित्र में नहीं मेरे प्यारे चरित्र में है ढलना, चित्र में नहीं मेरे प्यारे। चित्र में नहीं मेरे गुरु भाई बहन चरित्र में है ढलना। एक बार यशोदा मैया से सखियों ने पूछा कि यशोदा जी आपके घर में कन्हैया पैदा हो गए, आपने ऐसा कौन सा तपस्या किया था कि आपके घर में कन्हैया पैदा हुए। मैं बार बार वही प्रश्न अपने गुरु जी की माता जी को ध्यान में रख के करना चाहता हूं। मेरे भाई बहन, हमारे यहां बच्चे के जन्म पे सोहर गाया जाता है, मैं आज गुरु जी के जन्मदिन पे एक सोहर गाना चाहता हूं। अरे मचिया बैठल माई यशोदा, तसखी सब पूछे ली हो। बड़ा प्यारा है बात कि मचिया बैठल माई यशोदा,
तसाखी सब पूछे ली हो ए मैया ए मैया काई लोकवान व्रत नेम कन्हैया सुत पावलो ए मैया काई लोकवान व्रत नेम कन्हैया सुत पावलो मचिया बैठल माई यशोदा त सखी सब पूछे ली सखी सब पूछे ली हो ए मैया कई लोकवान व्रत नेम कन्हैया सुत जायल हो ए मैया कई लोकवान व्रत नेम कन्हैया सुत पावल हो माँ क्या जवाब देती है मैया जवाब देती है काशी नहैली तिरबेली ता और प्रयागराज हो काशी नहैली हम त्रिवेली ता और प्रयागराज हो मैया माँ कहती है सुनो जी मैंने तो कुछ नहीं किया मैं तो केवल काशी नहा के आई हूँ मैं प्रयागराज नहा के आई हूँ मैंने काशी में दुर्गा मैया का दर्शन किया है काशी में जाई के ना हाईली प्रयागराज गईली प्रयागराज गईली की दुर्गा के माँ नवली ना हो ए सखी हो यही तारे मिलने हमके राज कन्हैया सुत पावलो हो सखी हो यही माती मिलने हमके लाल कन्हैया सुत पावलो हो अरे मचिया बैठल रानी जसदा ही संगे आवे लए ही से मा लावेली हो ए ललना एही तारे भैले मोरे लाल कन्हैया सुत पा गईली हो ए ललना एही तारे भैले हमके लाल कन्हैया सुत पा गईली हो अरे मचिया बैठल माई यशोदा त सखी सब पूछेली सखी सब पूछेली हो ए मैया कई लोकवान व्रत नेम कन्हैया सुत पा गईलु हो ए मैया कई लोकवान व्रत नेम कन्हैया सुत और माँ ने एक और जवाब दिया एक और जवाब आया माँ का क्या आया ध्यान से सुनना आपके घर में कन्हैया जैसा तेज कैसे पैदा होते हैं अरे गैया के गोबरा माँ गवली से अंगनाली पवली से अंगनाली पवली त सूरज के अर्घ दिहली हो क्या क्या किया आप मेरे साथ गाना थोड़ा देर जहां पे है रुक जाना गैया के गोबरा माँ गवली से अंगनाली पवली से अंगनाली
नवली ता पीता रमा नवली ना हो। गाय का गोबर मंगाया, आंगन लिपाया, अपने पितरों को याद किया और क्या किया कि बाबा सूरज के मारा घर चढ़ा वाली था कन्हैया सूत पा गई। बाबा सूरज के मारा घर चढ़ा वाली कन्हैया सूत पा गई। अरे कितना मनोहर मंगल मूरत की कैसन शुभ मुहूर्त हो। ए ललना सबकर ताली बजे के चाही। ए ललना ए ललना ए ललना गावेला बागेश्वर आज सोहर की अंगना में लाल भैले हो। ललना बागेश्वर आज सोहर ता अंगना में लाल भैले हो। पहले ही कहा था कि हमरा बुझाता बबुआ राजा होई है। अरे राजा धीराज होई है, अरे हीरा पुखराज होई है हो। अरे होई है का हो गई बाटे हो। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले के बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण गुरु जी महाराज की। ए ललना ए ललना ए ललना गावेला बागेश्वर आज सोहर की हलना में लाल भैले हो। ए ललना गावेला बागेश्वर आज सोहर ता अंगना में लाल भैले हो। मचिया बैठल माई यशोदा तसाखी सब पूछे ली साखी सब पूछे ली हो। ए मैया कैलो कवन व्रत नेम कन्हैया सुत जायल हो। ए मैया कैलो कवन व्रत नेम कन्हैया सुत एवा प्रेम से बोली संन्यासी बाबा की। दोनों हाथ उठा के बोली बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। हम एक गाना गाते हैं, हो जिया हो बिहार के लाला। मेरा एक गाना है, कौन सा सुर लगा दिया मैं, काली चार कर दीजिए। एक लाइन रुक जाओ, पहले सब मिल जाएंगे। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साल, अरे जिया हो यूपी के बाला, जिया दस हजार साल, अरे जिया हो बागेश्वर के नौनिहार। अरे तनी धूम धाम से तनी झूम झाम के मेरे भाव को बढ़ाइएगा, रुकिएगा मत, चलते जाइएगा। कई हमारे बच्चे थोड़ा इस मेले में खो भी जा रहे हैं। एक सूचना मेरे पास आई है, सूचना है कि एक सागर साहू का लड़का, सागर साहू का उसका नाम है सागर साहू,
जींस की शर्ट काले रंग की पहना है, ये लड़का है। अच्छा, ये कहीं नहीं जाएगा। मिल गया, अरे मिल गया, बागेश्वर दरबार की, ये बागेश्वर का दरबार है। यहां कोई खोता नहीं है, बल्कि हनुमान जी में खो जाता है। आप सब हनुमान जी में खोइए। हमने अपनी तरफ से गुरु जी के जन्मदिन पे एक छोटी सी अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं, और अब हमारा मन कर रहा है कि एक ठो गाना और गा दो। भैया इधर जो खड़े हो ना, डरवारी मत फानो, उधर से आना है, थोड़ा देर लाइन लगा लेंगे, जो मिलने वाला है वो मिलके ही रहेगा मेरे भैया। बागेश्वर दरबार में देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। मेरे बहुत ही प्यारे भैया सीताराम, आप सब सीताराम भैया सेवादार से रहे, निवेदन है कि खाली करवा दे मंच पूरा खाली, सेवादार को नहीं रहेंगे, प्लीज सेवादार पूरा मंच खाली कर दे, सेवादार प्लीज सभी पीछे रहेंगे और नीचे बैठेंगे, सेवादार जो है पूरा मंच, हमारा आग्रह है कि पूरा मंच खाली कर दे, सेवादार पूरी खाली करवा दे, बाकी लोग खाली करवा दे। एक जन भाई बैठे हैं, अभिजीत जी बैठे हैं, उनके पास बाकी लोग साथी जो उनके आए हैं सेवादार, वो खाली कर दें सेवा, वो उनको रहने दो, बाकी सेवादार जो उनके साथ वाले उनको खाली करवा दें प्लीज, जगह नहीं है जी। अब हम पुनः चलेंगे, इतना सुंदर भजन आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी के द्वारा हम आप सभी स्मरण कर रहे हैं, उनके भजनों का आनंद भी ले रहे हैं, तो आराम से आते भी जाना है, गुरुदेव भगवान के दर्शन भी करना है। आपके लिए जो उल्टे साइड में जो प्लान टेंट लगा है नीले कलर का, वहां से अब नहीं आना है, वहां से नहीं आना है, घूम के बीच से पंडाल से आना है, वहां से नहीं आना है। और सभी को भजनों का भी आनंद लेना है, इतने सुंदर भजन हमारे आदरणीय भैया जी कर रहे हैं, तो भजनों के साथ साथ गर्मी का भी एहसास करना है, आनंद लेना है, और भजनों का भी लेना है, भक्तों भगवान के दर्शन भी करना है। जय जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। देखो हम लोगों को रोज प्रार्थना करना चाहिए कि हे मेरे गुरुजी, हमारी जो गाड़ी है बेटा, क्या हुआ? अच्छा, हाँ, तो हम लोग गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं। गुरुजी कभी कभी आप इतने खुश हो जाते हैं कि गाड़ी का स्पीड बहुत बढ़ा देते हैं हम लोगों का, हम लोगों की गाड़ी थोड़ा धीरे हाँकिए, बहुत दूर जाना है गुरुजी। कई बार मैं देखता हूँ आपके दरबार में आने वालों की गाड़ी अचानक वंदे भारत जैसा चलने लग रही है, तो मैं प्रार्थना करता हूं, एक सुर दीजिए। अरे जरा धीरे गाड़ी हाको रे, जरा धीरे गाड़ी हाको रे, जरा धीरे गाड़ी हाको, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे गुरु
मेरे राम गाड़ी वाले, अरे जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले, अरे धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी, मेरे राम गाड़ी वाले हनुमान गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले हनुमान गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले हनुमान जी गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले हनुमान गाड़ी वाले। अपनी अपनी गाड़ी बढ़ाते रहो, जरा धीरे गाड़ी हाको, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाको रे मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले हनुमान गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले हनुमान गाड़ी वाले। हो गुरु पूर्णिमा के दिल पे, गुरु पूर्णिमा के दिन बागेश्वर धाम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले बागेश्वर धाम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले बागेश्वर धाम गाड़ी वाले। ओ जरा धीरे गाड़ी हाको, जरा धीरे गाड़ी हाको, जरा धीरे गाड़ी हाको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाको रे मेरे राम गाड़ी वाले। अरे धर्मी से जे पार उतर गए, हमरी गाड़ी रेत में फंस गई, हमरी गाड़ी रेत में फंस गई, मंजिल है बड़ी दूर, हमरी गाड़ी रेत में फंस गई, मंजिल है बड़ी दूर, हमरी गाड़ी रेत में फंस गई, मंजिल है बड़ी दूर भैया, मंजिल है बड़ी दूर भैया, मंजिल है बड़ी दूर, हमरी गाड़ी रेत में फंस गई, मंजिल है बड़ी दूर, अरे हमरी गाड़ी रेत में फंस गई, मंजिल है बड़ी दूर, अरे बागेश्वर वाले पार उतर गए, बागेश्वर वाले पार उतर गए, पापी चकना चूर मेरे पापी चकना चूर, मेरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले हनुमान गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले हनुमान गाड़ी वाले। आप लोग भी गा रहे हैं, आप लोग गा रहे हैं ना भैया, एक मिनट। अरे जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा कह तो रहे हो कि धीरे गाड़ी हाँको, लेकिन दीवार तोड़ के आ जा रहे हो, दोनों में साम्यता होनी चाहिए। अरे जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा मेरे राम गाड़ी वाले बागेश्वर धाम गाड़ी वाले, मेरे अरे प्रेम से बोलो हाथ उठा के, प्रेम से बोलो हाथ उठा श्री राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले,
इसकी लालो हमारी गाड़ी हमारी गाड़ी रंग रंगीली पहिया इसकी लालो हमारी गाड़ी रंग रंगीली पहिया इसके लालो। और देखिए हमारी गाड़ी पे कौन बैठा है, अरे हाँ कनवाली छैल छबीली, हाँ कनवाली छैल छबीली, हाँ कनवाली छैल छबीली, अरे हाकन वाली छल छबीली, अरे बैठन वाले राम रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाको रे मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले भगवान गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले हनुमान गाड़ी वाले। देखो गुरु के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, ये हमारी माई है, हमारी माँ है, और गुरु के दरबार से मिल गया, हमारी माँ भी शामिल हो गई। वो बनारस में बैठ के गुरु जी के लिए सोहर गा रही है, और गुरुजी ने मेरी माँ का चित्र दे दिया हमारे इस बागेश्वर धाम के दरबार में। मैं जितने लोग यहाँ बिना माता के आए हैं, मैं सबको ये चित्र समर्पित करता हूँ, आप सबकी माताओं को गुरुजी का आशीर्वाद लगे। अरे जरा धीरे गाड़ी यहाँ को रे मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले हनुमान गाड़ी वाले, राम गाड़ी वाले हनुमान गाड़ी वाले। इधर आना भैया, कीर्तिदान जी, ये हमारे कीर्तिदान गढ़वी जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके बाबा बागेश्वर बालाजी के दरबार में इनका स्वागत कर दीजिए भैया, बड़ी कृपा। यहाँ पे हम कल बाबा जी के दरबार में भजन सुनाए, आपका बहुत इंतजार रहा, कल वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी आपका इंतजार करते थे, कल सुनाया, आपको भी सुना दे बागेश्वर धाम, कंटिन्यू करो। वाह वाह, किसी पे धंधा दिंग ताज धंधा दिंग ताज धंधा दिंग, ओ जरा धीरे गाड़ी हाको मेरे राम। जरा धीरे गाड़ी धीरे धीरे जरा धीरे गाड़ी हाको रे मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे गाड़ी हाको रे मेरे राम, ओ गाड़ी वाले, ओ धाम गाड़ी वाले, ओ श्री राम गाड़ी
प्यार से गाइए साधु जी। ओ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम राम सिया राम, सिया जय हो जय जय साधु जी। गुरु पूर्णिमा की ऐसी तैयारी, ऐसी तैयारी। सत्य सनातन असत्य सनातन जाग रहा है। ओ, सत्य सनातन जाग रहा है। बागेश्वर राजधानी लाग रहा है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए और बचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ उमा जी कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा उमा जी कहूँ मैं तो अनुभव अपना। सति हरि भजन जगति सब सपना। राम सिया राम, सिया राम जय जय साधु जी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और एक गाना मनोज भाई का ही मैं पूरे गुजरात में पूरे विश्व में जो मनोज भाई का नाम लेके मैं गाता हूँ गुरुजी, कल भी उनकी याद की थी, उनकी याद में गाया था। ओ मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। ओ मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। ओ मंदिर जब बन जाएगा देख नजारा क्या होगा, देश हमारा देखेगा। ओ काशी अब सजने लगा है, वहाँ डम डम बम 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 बम। हर 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 महादेव। ओ काशी अब सजने लगा है, वहाँ डम अब बजने लगा है। काशी अब सजने लगा है, वहाँ डम रूप बजने लगा है। बम 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 बम। हाँ साधु जी। बम 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 बम। शैल सोम सब विशाल जना डूट चंद्र भाल गंग की तरंग माल भीमल ने गाजे लो चंद्र लाल लाल चंदन की गौरी माँ हम कुम सिंदर गुलार बुनी मर्दाजे। बम 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 नमरुवाद नाद में सरुदाज शंकर फाराज आज तांडव नाचे। काशी अब सजने लगा है, वहाँ डमरू बजने लगा है। ओ डमरू जब बज जाएगा देख नजारा क्या होगा, देश हमारा देखेगा। हाँ,
अब फूलने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा मंदिर अब फूलने लगा है, भगवान मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा देश हमारा हमारा देश हमारा जय जय श्री श्री राम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नारा एक ही नाम गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा 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 बच्चा। आपको रोक देने का है मेरे भारत का बच्चा बच्चा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोले हर हर मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बच्चा बच्चा जय श्री राम जय जय श्री राम भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम हो मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले साधु जी जय जय श्री राम। आप सभी लोग बाबू को थोड़ा देर बैठाओ और मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हुआ कि धीरे धीरे वैसे तो मैं ये जो व्यवस्था देख रहा हूँ इतनी लोगों के इतनी श्रद्धा के बीच में इस प्रकार से व्यवस्था बन जाना भी हनुमान जी की साक्षात कृपा है मेरे भाई बहन साक्षात कृपा है। और इसी के साथ एक दो लाइन का मंत्र देते हुए मैं अपने बागेश्वर बालाजी से कहूंगा भैया बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करता हुआ जाऊंगा अरे भगवा रंग में रंग दे रे केवल दो लाइन सबके साथ गुरुजी के चरणों में अरे भगवा रंग में रंग दे रे मेरे बाबा मेरा छोरा रंग में रे मेरे बाबा मेरा छोरा भगवा रंग में रंग दे रे मेरे बाबा मेरा अरे बाबा मेरा चोला अरे बोलो बम बम बोला बाबा मेरा चोला अरे बोलो बम बम बोला बम बम भोला बम बम भोला बम बम भोला बम बम जय जय डमरू बम बम भोला जय जय डमरू बम बम भोला भगवान रंग बेरंग दे रे मेरे बाबा मेरा चोला भगवान रंग बेरंग दे रे मेरे बाबा मेरा चोला अरे बाबा तेरे इस चोले में
वाले में गुरु जी ने है बोला, दोनों हाथ उठना चाहिए, डमरू समझ लो हाथ में, डमक डमक डम डमक डमक डम डमक 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 डम डमक डमक डम डमक डमक डम भगवान रंग में रंग दे रे मेरे दादा मेरा चोला, भगवान रंग में रंग दे रे मेरे दादा मेरा चोला, भगवान रंग में रंग दे रे मेरे। अरे बागेश्वर में आ गया है डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक, बागेश्वर में आ गया है बागेश्वर में आ गया है अरे बालाजी का टोला, डमक डमक डम डम डमक डम डमक डमक डम डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डम, भगवान रंग में रंग दे रे मेरे बाबा मेरा चोला, आज गुरु जी मेरे बालक समान है, आज गुरु जी मेरे, आज तो गुरु जी का जन्मदिन है ना, आज गुरु जी मेरे बालक समान है, आज गुरु जी मेरे बालक समान है, आज गुरु जी मेरे, आज गुरु जी मेरे, आज गुरु जी मेरे बालक समान है, आज गुरु जी मेरे बालक समान है, बालक समान है लेकिन, अरे सत्य सनातन के, सत्य सनातन के, सत्य सनातन के जागे हिंदुस्तान है, सत्य सनातन के जागे हिंदुस्तान है। मैं जानता हूं आज मैं जो जो लाइन गा रहा हूं मुझे पता है देश के लोग उसका बहुत अर्थ लगाएंगे, लेकिन मैं गलत तो नहीं कह रहा ना मेरे भैया, मेरी लाइन सही है ना, ये मेरा मन कह रहा है। आज गुरु जी मेरे बालक समान है, 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 लेकिन आज गुरुजी मेरे बालक समान है, लेकिन सत्य सनातन के जागे हिंदुस्तान है, सत्य सनातन के जागे हिंदुस्तान है, सत्य सनातन के जागे हिंदुस्तान, सत्य सनातन के जागे हिंदुस्तान है। आज गुरुजी मेरे बालक समान है, सत्य सनातन के जागे हिंदुस्तान है। और ये जो देखो संत महात्माओं की कृपा, संतों की कृपा है सर पे हनुमान है, संतों की कृपा है सर पे हनुमान है, संतों की कृपा है सर पे, अरे यही भाव ले निकल पड़ा है, यही भाव ले निकल पड़ा है, यही भाव ले निकल पड़ा है ये भक्तों का टोला। मैंने क्या कहा, यही भाव ले निकल पड़ा है ये भक्तों का टोला, चमक चमक डम चमक चमक डम चमक चमक डम डम चमक चमक डम चमक चमक डम चमक चमक डम डम चमक चमक डम चमक चमक डम चमक चमक डम, रंगवा रंग में रंग दे रे मेरे बाबा मेरा चोला, रंगवा रंग में रंग दे रे मेरे बाबा मेरा चोला, रंगवा रंग में रंग दे रे मेरे बाबा मेरा चोला। अरे सत्य के रथ पे निकल पड़ा है ये भक्तों का टोला,
भगवान रंग में रंग दे रे मेरे बाबा रंग में रंग दे रे। एक बार अब मैं अपनी वाणी को विराम दूं, जो जहां है हाथ उठना चाहिए, एक बार जहां है हाथ उठना चाहिए, चित्र पे मत जाओ, मोबाइल जेब पे रख लीजिए, दोनों हाथों की तालियों से कहिए चमक चमक दम चमक चमक दम चमक चमक दम दम चमक चमक दम चमक चमक दम चमक चमक भगवा रंग में रंग दे रे मेरे बाबा मेरा चोर भगवा रंग में रंग दे रे मेरे बाबा मेरा चोर भगवा रंग में रंग दे रे बाबा मेरा चोर भगवा रंग में रंग दे रे मेरे बाबा मेरा चोर भगवा रंग में रंग दे रे मेरे बाबा मेरा चोर। ओम नमः पार्वती पताये रंग दे रे ओ मेरे गुरुजी मेरा चोला। ओम नमः पार्वती पतये हारा हारा। कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना, और जो लाइन याद रहे उसको ले जाना, सब कुछ भूल जाना, लेकिन याद रखना कि गुरु एक पुल है, खुद ही है चलना, चित्र में नहीं चरित्र में है ढलना। बागेश्वर धाम की, बोले बागेश्वर बालाजी महाराज की। एक अति आवश्यक सूचना, जिन पुलिस कर्मियों की यहाँ प्रशासन की ड्यूटी लगी है, कृपया करके पंडाल में आने का कष्ट करें, अन्यथा कोई भी घटना यहाँ अगर घटती है तो प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। आप सभी से अनुरोध है कृपया करके पंडाल के अतिशीघ्र आने का कष्ट करें। जिन पुलिस वालों की कर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगी है, अगर ड्यूटी करनी है तो कृपया पंडाल के निकट आने का कष्ट करें, व्यवस्था को संभालें, अन्यथा कोई भी अगर एक घटना यहाँ घटती है तो प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। जय जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। श्री सीताराम, बोलिए प्रेम से बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। कल रात को हमने गुजराती शेर को देखा था, हमारे कीर्तिमान गढ़वी भैया, और अभी आदरणीय मनोज त्यागी जी, मनोज तिवारी जी माफ कीजिएगा, बिहारी दबंग, इन दोनों का जो अद्भुत जुगलबंदी आप लोगों को सुनने को मिला, ऐसा सौभाग्यशाली समय, परम पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव, और उसमें इतना अद्भुत कार्यक्रम। भाई खनिज देव चौहान तो हमारे घर के हैं, हम तो उन्हें अपना मानते हैं, सीताराम, और अद्भुत कृपा, जितने भी सेवादार हैं उनसे अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर रहें। मंदिर में कुछ सेवादार, जो मंदिर के सेवादार यहाँ आ गए हैं वो मंदिर में पहुँच जाएँ, मंदिर के सेवादार कृपया मंदिर में पहुंच जाएं, वहां पे भी भीड़ बहुत हो रही है, मंदिर के सेवादार मंदिर में पहुंच जाएं। ये परम पूज्य का आदेश है, मंदिर के सेवादार मंदिर पहुंचे। पुलिस महकमे के जितने भी लोग हैं, पुलिस महकमे के जितने भी लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो अपने स्थान पे पहुंच जाएं। सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। यहाँ जो बैरिकेटिंग है ये टूट गई, यहाँ चोट लग जाएगी। हमारी प्रार्थना है
आप लोग ऐसे आ जाओ, अभी यहाँ व्यवस्था बनाओ, और जो यहाँ मंच के सामने पुलिस व्यवस्था की ड्यूटी लगी थी, या तो आप उपस्थित हो जाएं या फिर आप मना कर दें तो हम व्यवस्था अपनी बना लेंगे। दो बार माइक से उन्होंने एसडीओपी साहब ने भी, जैन साहब ने भी कहा था, तो जिनकी भी ड्यूटी लगी थी मंच के सामने, तो अगर पुलिस प्रशासन के किसी भी अधिकारी के पास कान में आवाज़ पहुंच रही आप बोले, क्योंकि वहां पर बहुत लोगों को चोट लग रही है बैरिकेटिंग टूटने के कारण, और आप लोग तोड़े ना, सबको हम मिल रहे हैं ना, बैठे हैं, अभी उठे तो नहीं ना। और दूसरी बात, ये बालक है लकी, प्रकाश का बेटा, अपनी नानी चंदा देवी के साथ में आया है, डेरा में रहता है, तो उनकी नानी के कानों में आवाज जा रही है, कहाँ है, मिल गई ना, ये पहुंचा दीजिए, जाइए आप। मंदिर पर जो सेवादार यहाँ आ गए, मंदिर से भागकर 2 मिनट के अंदर आप लोग मंदिर पहुंच जाओ, मंदिर पर दिक्कत हो रही है, एनसीसी के बच्चों को वहां भेज दो, हम यहाँ पुलिस प्रशासन को ले लेते हैं, तो एनसीसी के जो बच्चे यहाँ सेवा में लगे वो मंदिर पहुंच जाएं, क्योंकि वहां भी लाखों लोग पहुंच गए मंदिर पर, यहाँ हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करके उनसे व्यवस्था बनवाते हैं। और आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, पागलो। एक बच्चा, इनको कहाँ ले जा रहे हैं, लोकेश, लोकेश यहीं लाओ, उस बच्चे को लाओ ना। एक बालक बैठा है अभिनंदन, जो मिला है भगवान की कृपा से, बागेश्वर धाम पर खोते कम हैं मिलते ज्यादा हैं, तो अभिनंदन मिला है, और अभिनंदन के संपूर्ण परिवार जान, कैसे हो अभिनंदन, ठीक हो तुम, चलो चॉकलेट खाओ, बाहर में जान दो घर वाला ना, तो तुम जब क्या कहाँ रहा तुम, कहाँ रहे तुम, अरे यूपी हो बबुआ जिया लाला, हाँ करो, हाँ अब तुम रो मत, अच्छा तुम्हें का कर, हम तुम्हें एक तैयार बढ़िया कछु जो जो चिप्स खाओ, हम जो बढ़िया बारी चिप्स रख ले, अरे भाई साहब मुस्कुराओ, दांत निकाल, हाँ रोने का नहीं, मिल जाएंगे, तो सबको खूब खूब आशीर्वाद पागलो। अबे तुम उनने खूब डांस करो, नहीं बढ़िया भजन सुन, अरे भाई साहब तुम्हारे वे जो तुम गुब्बारों लेके प्रकट हो जाते यार, इनको हम का करें आगे के लगे, ले भैया ओड़गा हुआ अपने आप, जय 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 जय, एक एक करके आना, सबको हम मिल रहे ना, परेशान ना हो भैया, ना हैरान करो ना खुद हो, पसीना में तुम्हारे लथपथ हो गए, पानी पिलाने वाला जितना पूरा मंडल है वो पूरा मंडल पानी की सेवा लगातार करता रहे, और दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। पापा मैं बहन के साथ आया था, तब मैं वो भीड़ थी ना, इसलिए मैं गुम हो गया। आप गुम हो गए कि मिल गए, साथ में एक दीदी थी। कौन दीदी, अच्छा क्या नाम है बहन जी का, मेरी बहन का, मेरी बहन का नाम सुनिए, क्या नाम है, हाँ जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, पागलो, बोलो वीर बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की। अब सब लोग और भजन संध्या का आनंद लेंगे, कहाँ गए खनिज, हाँ लगाओ अपनी तनक फनक, नाम खनिज है खनको, हाँ हाँ बहुत अच्छा, क्या नाम है, इनको जरा एक मिनट माइक दे दो, ये बहुत देर से, गाना है क्या बोलना है, गीत गाना है, हेलो कौन गाता, सीताराम गुरुजी, सीताराम जी मैं राजस्थान से आई हूँ, और मैं राजस्थान की सिंगर हूँ,
और आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने दो दिन के कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिए. मैंने कहा नहीं, इस बार मैं धाम जाऊंगी. हेलो हेलो, हारमोनियम प्ले कौन कर रहा है? हारमोनियम पे काली लग रही है या पांच? आप लोग फिर मर्यादा करती हो. कोई बात नहीं, इसके पांच 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 पांच. गुरुजी, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी मैं इच्छा लेकर आई हूँ आपके लिए. मैंने सुना था कि आपकी इच्छा है कि जब आप कन्याओं का विवाह करवाते हैं तो आपकी इच्छा है कि हर कन्या को आप मोटरसाइकिल दें. तो अभी मैं एक न्यूज़ लेके आई हूँ कि जो अनंत जी अंबानी हैं उनके पर्सनल असिस्टेंट भीमाराम जी देवासी, वो आपको जानते हैं अच्छी तरह से और आप भी जानते हैं. तो मेरा ये निवेदन है उनसे कि भीमाराम जी अपने बॉस को रिक्वेस्ट करें कि आप धाम पर जाएं और गुरु जी के लिए नहीं, आपकी ये इच्छा पूरी करें. प्लीज़ प्लीज प्लीज सर, ये मेरी इच्छा है. हाँ वो तो है ना सर, वो तो है, मुझे पता है. हाँ इतने भक्त हैं आपके, क्या कमी है? कुछ नहीं है. थैंक यू. तो लीजिए, मैं अब भगवान श्री राम जी का एक छोटा सा भजन सुनाने जा रही हूँ. बहन जी, हमारा बागेश्वर परिवार ही काफी है. जिसके हैं हनुमान, भला फिर वो क्यों ना हो धनवान. हेलो, तो भगवान श्री राम जी का मैं छोटा सा भजन सुना रही हूँ. भगवान श्री राम जब वनवास जाते हैं उस समय की रचना है. वन चले राम रघुराई, संग में सीता माई, राजा जनक की जाई हो. राजा जनक की जाई. सभी लोग मिनी मिनी ताली के साथ सीताराम. वन चले राम रघुराई, संग में सीता माई, राजा जनक की जाई. Thank you.
तक की जाई। Okay.